बेटमा के सबसे व्यस्ततम मार्ग त्रिवेणी चौराहे पर स्थित कमलदीप ज्वेलर्स के सोने चांदी की दुकान पर लूट की घटना का मामला सामने आया है, जहां व्यापारी के यहां तीन नकाबपोशों ने लूट को अंजाम दिया और दुकानदार हरकत में आए उससे पहले ही तीनों नकाबपोश फरार हो गए। अशोक सोनी त्रिवेणी चौराहे स्थित दुकान पर तीन नकाबपोशों ने धावा बोल दिया और 2 से 5 मिनट में इस घटना को अंजाम दे दिया। आरोपियों की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना करीब रात 8 बजे की है, जब तीन नकाबपोशों ने ज्वेलर्स की दुकान पर धावा बोला। तीनों नकाबपोश एक दो पहिया वाहन से आए। एक नकाबपोश दुकान की रेखी करता रहा, दो नकाबपोश बाहर खड़े होकर देखरेख में लगे रहे। दुकान में रखे शोकेस का ताला लगा हुआ था। दुकान की रेखी कर वहां किसी के नहीं पाए जाने पर उसने शोकेस का ताला तोड़ दिया। लाकर का ताला तोड़ने की आवाज सुन आशा सोनी बाहर आई और चिल्लाने लगी। इतने समय में नकाबपोशों ने लक्ष्मी जी की मूर्ति, सोने की पॉलिश वाली चांदी की चूड़ियां आदि सामान निकाल कर भाग खड़े हुए। बैटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। तोड़ के आई जब तक वो निकाल रहे थे माल। कितने लोग थे ये? तीन थे, दो तो खड़े थे बाहर, एक बाहर मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ। यहाँ ये पता नहीं था। मैं चिल्लाई, इसके बाद इसके पापा आए अंदर से, कुछ सोके तोड़ा ना। क्या क्या ले गए बताइए घटनाक्रम। मैं हम अंदर थे, एक दो आदमी आए और लाट तोड़ा है वो अंदर, बाहर दुकान में कोई भी नहीं थे। अंदर से हमारी पत्नी आई, उनने जब आवाज सुनी खटखट की तो वो आई, वो चिल्लाई कौन है। इस देर में अंदर से आए बाहर दो आदमी, एक मोटरसाइकिल में बैठ कर भाग गए। तीन जने थे, मोटरसाइकिल तैयार थी, शर्ट खरीदी थी और शोकेस में से 200 ग्राम करीबन 40 ले गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।